Hello, it's a lovely good morning as always, and hope as always that you are absolutely cheerful, correct? And we always pray for your fantastic health, wonderful health, and may God give you a very high state of vibrancy and always keep you in the best of the shape. That is our prayers. So anyway, so we are going to start today this particular session. In the last two sessions which we have had so far with respect to consignment, each one of you are absolutely aware that now we have covered the initial aspects of this particular chapter. So today, as I promised in the last one, we are going to supplement those discussions which we have had in the two sessions with some practical questions in this one. So open down the material supplied by us to you. We are going to pick up question number one for the day. So we'll start off with elementary question, and then we will slowly and steadily move to the higher what we call reaches. Correct? So, bade aaj ka pehla question start karte hain. Question number one ko dekhe. Aaiye ji. Question number one, consignment jari hai. So, question number one se hum jara start karenge aur hum jara dekhte ki koshish karenge ki the screen hume kahan tak permission deti hai. Theek hai. So, consignment jari hai. कंसाइनमेंट का पहला क्वेश्चन करेक्ट. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. कंसाइनमेंट जो हम पिकअप करने जा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के सहारे हमने कॉन्सेप्ट वन को भी लिया. पहले तो ये क्वेश्चन नंबर वन भी है और इस क्वेश्चन में हम क्या कॉन्सेप्ट देख रहे हैं. इनफैक्ट वो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये रीकैप भी हो जाएगा. कॉन्सेप्ट वन करेक्ट. आइए जी, थोड़ा सा मैं वायरिंग ठीक कर लूं बेटे इसकी. हां जी, कॉन्सेप्ट वन का जो ताल्लुक है, व्हेन ऑल द गुड्स कंसाइंड आर सोल्ड, व्हेन all goods are sold, तो पहला कॉन्सेप्ट है कि जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे और कंसाइनी ने सारे गुड्स बेच दिए. इज इट क्लियर टू यू? आइए जी, हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक क्वेश्चन इससे डील करता हुआ हम कर लेते हैं. कहता है मिस्टर मोबाइल, नाम है मिस्टर मोबाइल और ये कंसाइनर है. क्या है? कंसाइनर है. तो जो कंसाइनर है मोबाइल, उसने क्या करा? क्वेश्चन नंबर वन हम ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर वन को बेटे हमने एनालाइज करा. जो कंसाइनर है, जो कि मिस्टर मोबाइल है, कंसाइनर ने कहता है कि 10,000 केसेस भेजे. कितने केसेस भेजे? 10,000 केसेस भेजे. किसको भेजे हैं? जाहिर है कंसाइनी को भेजे. 10,000 केसेस ऑफ मोबाइल सेट्स टू हिज एजेंट मिस्टर फैक्स एट द रेट ऑफ 100%. एट द रेट ऑफ 100%. हमने अपने एजेंट को सामान भेजा, कंसाइनी. कंसाइनी को हमने सामान भेजा और उसने लिखा मोबाइल जो कि कंसाइनर है, उसने कुछ खर्चे करे, एक्सपेंसेस. भेजने में जो खर्चे हो गए कंसाइनर के, वो 50,000 रुपए के खर्चे हो गए. और मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी दिए. उसने कहा कि यहां पर 50,000 रुपए फ्रेट और फॉरवर्डिंग में खर्च हो गए. अब 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, कंसाइनी को एक इंफॉर्मेशन मिली. आफ्टर 3 मंथ कंसाइनर को एक इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि कंसाइनी ने हमें आफ्टर 3 मंथ्स एक अकाउंट सेल भेजी. आफ्टर 3 मंथ्स
आफ्टर थ्री मंथ्स कंसाइनी ने हमें एक अकाउंट सेल्स भेजी. अकाउंट सेल्स में कंसाइनी ने क्या क्या लिखा? अकाउंट सेल्स में कंसाइनी ने क्या क्या लिखा? उसने लिखा कि भाई जो मेरी सेल्स हुई हैं वो तो मैंने पूरे 10,000 केसेस बेच दिए. कंसाइनी ने लिखा कि मैंने 10,000 केसेस बेच दिए हैं और एट द रेट ऑफ 200 पर केस मैंने बेच दिया है. फिर कंसाइनी ने यह भी बताया कि मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद है ना आपको कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जब गुड्स कंसाइनी के शहर में पहुंच जाते हैं और उसके शहर में पहुंचने से लेकर अपने गोडाउन तक लाने में कंसाइनी के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं. तो कंसाइनी ने बताया कि उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस 70,000 रुपए के हो गए और कंसाइनी ने बताया कि उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो 30,000 रुपए के हो गए. कंसाइनी ने ये बताया अकाउंट सेल्स के थ्रू कि मेरी सेल्स इतनी है, डायरेक्ट एक्सपेंस इतने हैं और मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस 30,000 के हैं. जो कंसाइनी है उसको हम कुछ कमीशन दे रहे हैं और कंसाइनी का जो कमीशन है वो 10% है. बस छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं. कहता है प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. ये तो आपके लिए बिल्कुल चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन होना चाहिए. करेक्ट, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन मैंने कहा है. तो बुक्स ऑफ कंसाइनर में हम पहले तो लिखेंगे बुक्स ऑफ कंसाइनर. कंसाइनर की बुक्स में बेटे आप कौन से अकाउंट बनाएंगे? आपको याद है ना बुक्स ऑफ कंसाइनर, ये आपकी स्क्रीन पे क्यों नजर नहीं आ रहा है? जरा थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा बुक्स ऑफ कंसाइनर. चलो बुक्स ऑफ कंसाइनर. बुक्स ऑफ कंसाइनर में जैसा कि आपको मालूम है कि आपने कौन से अकाउंट बनाने हैं, एक तो आपने बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट. तो आपने कंसाइनमेंट अकाउंट फटाफट बनाया. कल हमने कंसाइनमेंट अकाउंट की काफी चर्चा भी करी थी. करी थी या नहीं करी थी? सर करी थी. कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का बेटे पर्पस क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का पर्पस है कि हमें पता लग जाए हमने कितना लॉस या प्रॉफिट कमाया. करेक्ट, कंसाइनर जब सामान भेजेगा तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. आपने 10,000 केसेस भेजे हैं, 10,000 केसेस एट द रेट ऑफ 100 के हिसाब से आपने माल भेजा है तो आप यहां पर लिखेंगे 10,00,000 रुपए. फिर कंसाइनर के जो खर्चे हो गए वो हम डेबिट में लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कंसाइनर के खर्चे फ्रेट और फॉरवर्डिंग पर हो गए जो कि 50,000 के खर्चे हैं. ये 50,000 आपने लिख दी है. फिर आप वेट करेंगे और 3 महीने के बाद आपको अकाउंट सेल्स मिली. अकाउंट सेल के आधार पर आपको पता लगा कि कंसाइनी ने इतने रुपए की सेल कर दी. आप लिखेंगे बाय कंसाइनी अकाउंट. जो भी कंसाइनी का नाम है चाहे तो आप नाम लिख ले बाय कंसाइनी अकाउंट. अब कंसाइनी ने जो सेल करी 10,000 केसेस कंसाइनी ने बेचे एट दी रेट ऑफ 200 के हिसाब से तो बेटे आप यहां पर लिखेंगे 20,00,000. 10,00,000 का सामान आपके कंसाइनी ने 20,00,000 में बेच दिया. इजंट इट? उसके बाद फिर आपने देखा कंसाइनी के जो खर्चे हैं वो इस तरीके से हैं तो आप लिखेंगे टू कंसाइनी अकाउंट. टू कंसाइनी का मतलब है कंसाइनी के जो खर्चे हुए
दरअसल आप उसको लौटाएंगे, आपकी एंट्री हो रही है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तभी तो आप कंसाइनी को क्रेडिट कर रहे हैं। इसका मतलब आपने ये खर्चे कंसाइनी को लौटाने हैं, पे करने हैं। तो कंसाइनी के जो खर्चे हो गए, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस उसके 70,000 के हो गए, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसके 30,000 के हो गए, फिर कंसाइनी को कमीशन भी दिया जाएगा, उसकी भी एंट्री यही होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, तो उसको भी हमने यहीं पर लिख लिया। अब कमीशन हमेशा टोटल सेल्स का कंप्यूट होता है, ये तो आपको मालूम ही है, तो 20 लाख का 10% डेट इज इक्वल टू 2 लाख। बस अच्छी बात यह है कि कंसाइनी ने सारा सामान बेच दिया, तो अब आप इस पोजीशन में हैं कि अपना प्रॉफिट कंप्यूट कर सके। आपने अपना प्रॉफिट कंप्यूट करा तो प्रॉफिट आपका बेटे कितना आ गया, तो 10 लाख तो यही हो गए, तो 10 लाख में से 9,50,000 माइनस 1,03,000, तो 6,50,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। ये जो 6,50,000 का प्रॉफिट है, 6,50,000 आप लिखोगे टू नेट प्रॉफिट। वैसे तो नेट प्रॉफिट लिख दो, इतना ही काफी है, अगर ऐसे लिख सको तो और भी अच्छा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसपीएल का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंसाइनर क्या करता है, हर कंसाइनमेंट पे उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसको अल्टीमेटली अपने वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में ले जाता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर मैंने आपको बताया था कि जो कंसाइनर होता है, जो कंसाइनर होता है वो क्या करता है, कंसाइनर ये भी देखने की कोशिश करेगा कि इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद, यानी कि 3 महीने के बाद, अब क्या पोजीशन है, मैंने कंसाइनी से कितना पैसा लेना है, या रेयर सर्कमस्टेंसेस में मैंने उसको कितना पैसा देना है। इसके लिए कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या करेगा, एक कंसाइनी अकाउंट बनाएगा। क्या बनाएगा? कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनी अकाउंट भी हमने बनाया, कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट बनाने का बेसिकली पर्पस क्या है? कंसाइनी अकाउंट बनाने का पर्पस ये है, मैंने जैसा कि बताया कि हमें पता लग जाए कि हमने उससे कितना पैसा लेना है या देना है। आइए जी, मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि कैसे इसको बनाएंगे। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पहले तो ये बात समझनी है, वेरी इजी। आपने डेबिट साइड में कंसाइनी यहां लिखा है तो आप यहां पर लिखे बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट लिखा है मैंने। आपने कंसाइनी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पैसे देने हैं 70,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 30,000 और कमीशन है आपका 2 लाख का, और यहां पर आपने कंसाइनी लिखा है तो आप लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स 20 लाख। तो 20 लाख में से 70,000, थोड़ा सा बेटे मैं स्क्रीन सेटल आउट कर दूं, लीजिए। तो 10 लाख में से 20 लाख में से 70,000 तो कंसाइनी के खर्चों में चला जाएगा, 30,000 इनडायरेक्ट में चला जाएगा, 2 लाख रुपए हमें उसको कमीशन देना पड़ेगा। इसका मतलब 20 लाख में से इतना अमाउंट तो कंसाइनी को वैसे ही देना है
और अब हम कंसाइनी से इतना अमाउंट रिसीव करेंगे बाय बैंक. इसका मतलब कंसाइनी ने हमें इतना पैसा देना है 3 महीने के बाद, और हम ये मान लेते हैं कि उसने इसके लिए हमें चेक भेज दिया है. ये बैलेंसिंग फिगर है. समझ में आई या नहीं आई? इज इट क्लियर टू यू? यहां तक कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? सर बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत इजी है. मजा आ गया, पक्का मजा आ गया. और एक बात याद रखना है कि अभी हमारा एरिया जो चल रहा है डिस्कशन का, वो किस तरफ चल रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर की बुक में चल रहा है. तो इस क्वेश्चन को बेटे हम इस तरीके से करेंगे. बात समझ में आ गई? आइए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. जरा स्क्रीन को सेटल करना पड़ता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट भी देखना जरूरी है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट समझने से पहले इसका हम टाइटल तो लिख ले कॉन्सेप्ट का. व्हेन ऑल द गुड्स आर नॉट सोल्ड यानी कि अब की बार कॉन्सेप्ट क्या हो गया. हमने कंसाइनी को कहा भी 3-4 महीने में जितना सा माल बिक जाए ठीक है, अगर कुछ माल नहीं बिकता है तो कोई चिंता की बात नहीं है. यानी कि कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि जो टाइम लिमिट हमने कंसाइनी को दी है उस टाइम लिमिट के अंदर सारे गुड्स नहीं बिक पाए. तो जब भी कंसाइनी को भेजे हुए सारे गुड्स नहीं बेचे जाएंगे कंसाइनी के द्वारा, तो ऐसे सिचुएशन में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमें करनी पड़ेगी. यानी कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ये कंसाइनमेंट स्टॉक का केस हो गया, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक. तो जब भी गुड्स नहीं बिकेंगे तो उसमें कंसाइनमेंट स्टॉक को वैल्यू करना पड़ता है. वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है. आइए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं. कैट ऑफ सिटी सी सेंट 10,000 केसेस ऑफ कॉस्मेटिक्स एट द रेट ऑफ 100 पर केस. तो कैट कंसाइनर है, वो सिटी सी में है, और उसने क्या करा कैट ने? सर नाम आप कैसे कैसे ले आते हो. अब बेटे मेरे को लगा कि तुम लोगों को ये नाम बड़े अच्छे अच्छे लगेंगे, तो मैंने सोचा ऐसे नाम रख देता हूं. तो 10,000 केसेस भेजे हैं, लेकिन अब की बार 100 पर केस के हिसाब से भेजे हैं, और अपने एजेंट माउस को, कंसाइनी कौन है? माउस है. कंसाइनर कौन है? कैट है. देखो कितने अच्छे फ्रेंड हैं दोनों, ठीक है ना? तो माउस जो है कैट के बिहाफ पे सामान बेचेगा. अब कैट ने सामान को भेजा तो 50,000 रुपए के खर्चे भी हो गए, और खर्चे एक बार फिर से फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग के हो गए. फिर कहता है माउस, अब माउस ने हमें बताया, अब क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि उसने हमें अकाउंट सेल्स दी, लेकिन अब ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब हमें अकाउंट सेल्स मिलती है तो हमें पता तभी लगेगा कि कंसाइनी ने क्या खर्चे करे, कितनी सेल्स करी. तो हमें अकाउंट सेल्स मिलेगी. अकाउंट सेल्स मिलने के बाद हमें पता लगा कि माउस ने 1,00,000 रुपए डायरेक्ट खर्चे पे करे. 1,00,000 रुपए के खर्चे पे करे, डायरेक्ट एक्सपेंस बापा बड़े ज्यादा खर्चे पे कर दिए. और देखो मैंने तुम्हें ब्रैकेट में लिख भी दिए, इतनी बड़ी लिस्ट मैंने तुम्हें दे दी है, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस, ऑक्ट्रॉय, पोर्ट ड्यूटीज, कस्टम्स एंड क्लियरेंस एटसेट्रा, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल हैं. और कहता है उसने 50,000 रुपए इनडायरेक्ट खर्चे करे. 50,000 रुपए कंसाइनी के इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं. कंसाइनी के जो खर्चे होते हैं कुछ डायरेक्ट होते हैं कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, ये भूलना नहीं है. कई बार अब मैं ये बात बता चुका हूं, कंसाइनी के बेटा वो खर्चे जो उसके शहर में पहुंचने से लेकर के उसके गोडाउन तक पहुंचने तक के खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं. गोडाउन से लेकर के सेल होने तक जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं.
तो उसने बताया कि इनडायरेक्ट खर्चे हुए कुछ गोडाउन रेंट, कुछ सेल्स एक्सपेंस, कुछ इंश्योरेंस, कुछ सेल्स कमीशन एटसेट्रा। और मेन चीज ये है कि माउस ने अब की बार केवल 9000 केसेस बेचे हैं और 9000 केसेस को उसने 200 रुपए के हिसाब से बेचा है और माउस का कमीशन 10% है। तो इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बेटे कैसे करेंगे ये समझने से पहले आइए हम बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट में अकाउंट बनाएंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी 10,000 केसेस भेजे हैं तो इनटू 100 के हिसाब से 10 लाख आ जाएगा। 10,000 केसेस भेजे हैं, फिर कंसाइनर के खर्चे इस क्वेश्चन में भी 50,000 के हैं। फिर कहता है जो कंसाइनी है उसकी जो सेल है अब की बार 9,000 केसेस की है, तो बाई कंसाइनी सेल्स 9,000 × 200 दैट विल बी इक्वल टू 18 लाख। तो कंसाइनी की सेल 18 लाख की है, कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे जो हैं वो 1 लाख रुपए के हैं, तो 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनी के 50,000 के हैं तो 50,000 लिखेंगे। कंसाइनी का कमीशन अब की बार 18 लाख पर कंप्यूट होगा, 18 लाख का 10% 1,80,000। अब इस केस में बिकॉज कुछ गुड्स बच गए हैं तो जो गुड्स बच गए हैं उनकी मुझे वैल्यूएशन करनी पड़ेगी और बचे हुए गुड्स को मेरे को अपने कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। इसको हम लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। समझ में आया? क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। यानी कि जब भी माल पूरा का पूरा नहीं बिकेगा तो हमें वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, जिसको वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं, आप लोगों ने बहुत बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, आपको याद है ना, आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखते थे अपना ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये माल बच गया है तो नेचुरल है ये बचा हुआ माल है, तो बचे हुए माल को मेरे को अपने कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट में लिखना पड़ेगा ताकि मैं अपना ट्रू प्रॉफिट देख सकूं। ट्रू प्रॉफिट देखने के लिए अब मेरे को वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना पड़ेगा। तो आइए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम करते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करने के लिए मैंने क्या करा, यहां पर देखें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जरा स्क्रीन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, तो वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक बेटा कंसाइनमेंट स्टॉक को कैसे वैल्यू करेंगे, ध्यान से देखिए। कंसाइनमेंट स्टॉक को वैल्यू करते समय सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कितना माल बच गया। तुमने 10,000 केसेस भेजे थे, कितने केसेस बिक गए? 9,000 केसेस बिक गए, तो इसका मतलब कितना माल बच गया? 1,000 केसेस। सबसे पहले तो आप लिखे कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग केसेस कितनी है। कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग केसेस, तो रिमेनिंग केसेस जो हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? 10,000 केसेस में से 1,000 केसेस बच गए, 1,000 केसेस, और एक केस की कॉस्ट जो है वो 100 रुपए की है, ₹100 पर केस। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो रिमेनिंग केसेस बचे हैं वो 1 लाख रुपए के बराबर बचे हैं। ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? सर बिल्कुल कहा जा सकता है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए की कॉस्ट प्राइस का माल बच गया।
अब क्या होता है, इस पे हम प्रोपोर्शनेट खर्चे ऐड करते हैं प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट। देखो बेटे, मैं क्यों शुरू से तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों के बारे में ज्यादा स्ट्रेस कर रहा था, अब उसका यूज होगा। मैंने लिखा है प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते वक्त आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करेंगे, चाहे वो कंसाइनर के होंगे या कंसाइनी के होंगे। तो प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब आपने प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करे। ए, एक तो कंसाइनी के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे ऐड करेंगे, देखे ध्यान से। कंसाइनी ने टोटल 10,000 केसेस भेजे थे, 10,000 केसेस पर कंसाइनी के खर्चे, और कंसाइनी के खर्चे हमेशा डायरेक्ट होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। 10,000 केसेस पर 50,000 रुपए के खर्चे, तो बचे हुए 1,000 केसेस पर कितना प्रोपोर्शनेट खर्चा होगा। अगर 10,000 केसेस पर 50,000 रुपए का खर्चा है तो प्रोपोर्शनेटली 1,000 केस पे कितना खर्चा होना चाहिए, डेट इज इक्वल टू 1,000 केसेस, इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे 50,000 और डिवाइड कर देंगे 10,000 केसेस से। समझ में आ गया, इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब 1/10, तो 5,000 रुपए के खर्चे प्रोपोर्शनेट खर्चे बने जाएंगे। इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल केसेस 10,000 हैं, 10,000 केस पर कंसाइनी के खर्चे 50,000 हैं, तो 1,000 केसेस पर कितने होंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको मालूम है कि बचे हुए केसेस 1,000 हैं और टोटल केसेस 10,000 हैं, तो इसका मतलब 1/10 प्रोपोर्शन हो गया, जितने भी खर्चे होंगे उसका 1/10 खर्चा बचे हुए केसेस का होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से प्रोपोर्शनेट खर्चे आप ऐड कर सकते हैं। तो कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या कंसाइनमेंट स्टॉक करते वक्त सिर्फ डायरेक्ट नेचर के खर्चे लेंगे, चाहे वो कंसाइनी के हों चाहे कंसाइनर के हों। तो पहले कंसाइनर का ले लेते हैं, सॉरी मैंने कंसाइनी लिख दिया, कंसाइनर, पहले कंसाइनर का लेते हैं। तो कंसाइनर का कितना हो जाएगा, देखो बेटे, बचे हुए केसेस 1,000 हैं, टोटल केसेस 10,000 है, ये आपका प्रोपोर्शन बन गया, ये क्या बन गया, प्रोपोर्शन। और कंसाइनर के खर्चे 50,000 के हैं, तो हम कह सकते हैं कि बचे हुए 1,000 केसेस पर कंसाइनर के खर्चे 5,000 रुपए के लगे, करेक्ट। इसी तरह से फिर आप कंसाइनी के खर्चे भी ऐड करेंगे। अब कंसाइनी के खर्चे भी आपने ऐड करे, 10,000 कुल या टोटल केसेस हैं और 1,000 बचे हुए केसेस हैं। कंसाइनी के जो खर्चे हैं केवल डायरेक्ट नेचर के लेने हैं, कंसाइनी के डायरेक्ट नेचर के खर्चे इस क्वेश्चन में 1,00,000 हैं, इनडायरेक्ट खर्चे नहीं लेने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, 1/10, 10,000 इसको ऐड कर दूंगा। ऐसा करके मुझे यह पता लग गया कि जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है, दरअसल उसकी रियल प्राइस 1,15,000 की है। भाई मैंने माल भेजा, भेजने में भी तो कुछ खर्चे लगेंगे ना, तो वो खर्चे कुछ इसमें डालने पड़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि अगले साल जब हम इस स्टॉक को बेचें तो कम से कम 1,15,000 को बेचें। तो हम ये प्रोपोर्शनेट खर्चे ऐड करने का रीजन होता है कि जो हमारा खर्चा लग चुका है इन बचे हुए स्टॉक पर, उसकी भी रिकवरी हो जाए। तो इसलिए हम प्रोपोर्शनेट खर्चे ऐड करते हैं, लेकिन डायरेक्ट खर्चे ऐड करते हैं, ये आपने भूलना नहीं है। इसीलिए शुरुआत से मैं आपको बताने की कोशिश भी कर रहा था कि डायरेक्ट नेचर के खर्चे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट के कौन से होते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बेटे कब करनी पड़ेगी, जब सारा माल बिक जाएगा या जब सारा माल नहीं बिकेगा, जब सारा माल नहीं बिकेगा।
पर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते वक्त क्या क्या करना पड़ता है? नंबर वन, ध्यान से देखें कितना माल बचा है, उनकी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और फिर दोनों के प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट खर्चे ऐड करेंगे, डेट्स ऑल। तो क्लोजिंग स्टॉक अब हम यहां पर लिखेंगे 1,15,000। तो इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना नेट प्रॉफिट देखूं कितना आ गया। तो 1,800 प्लस 115 माइनस 1,000 माइनस 150 माइनस 230 माइनस दैट इज 5,35,000। तो इस केस पे बेटे आपका जो प्रॉफिट आ गया 5,35,000 आ गया, आप भी एक बार चेक कर लेना। तो 5,35,000 आपका प्रॉफिट है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कंसाइनर ने, कंसाइनी ने आपको कितने पैसे देने, तो अब ये अकाउंट तो आप एक सेकंड में बना सकते हैं। जो ये सेल्स हैं उसको आप यहां लिखेंगे 18 लाख, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट 18 लाख, और जो कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे हो गए बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1 लाख, इनडायरेक्ट खर्चे बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कमीशन 1,80,000, 1,80,000। तो 18 लाख में से हम माइनस कर देते हैं 1,800 माइनस 150 माइनस 180, तो बैलेंस अब आ रहा है 14,70,000। तो कंसाइनी, कंसाइनर को 14,70,000 रुपए भेजेगा। कंसाइनी बोलेगा मेरी सेल्स इतनी हो गई, मैं अपने खर्चे काट रहा हूं और अपना कमीशन काट रहा हूं, और ये लो चेक 14,70,000 का। तो इस तरीके से हमें इसमें करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का नहीं है? आइए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, फटाफट इस क्वेश्चन को आप उतारे ताकि हम क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 पे अब आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले तो है क्या क्या चीजें, क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है मिस्टर डॉक्टर ऑफ सिटी एक्स सेंट 5,000 केसेस ऑफ मेडिसिन टू हिज एजेंट पेशेंट एट सिटी पी एट द रेट ऑफ 100 पर केस। पहले तो आराम से इसको पढ़ो, अब तुमने इसको पढ़ लिया तो अब की बार जो है कंसाइनर कौन है? डॉक्टर है। सर ये नाम आपने कॉपीराइट कराए हुए हैं? हाँ बेटे बिल्कुल, कोई भी इसको कॉपी करने की कोशिश ना करे, तुम्हारी सिवा। लो जी, अब कंसाइनर ने बेटा कितने केसेस भेजे अब की बार? 5,000 केसेस भेजे हैं, और कहता है कि जो केसेस भेजे गए हैं एट द रेट ऑफ 100 पर केस भेजे गए हैं, 100 पर केस। फिर कहता है कि जो खर्चे हो गए 50,000 रुपए के हो गए ऑन शिपमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि कंसाइनर ने गुड्स को भेजा और भेजने में हो सकता है पानी के रास्ते गुड्स भेजा हो, तो समुद्र के रास्ते भेजा हो, तो शिपमेंट में खर्चे 50,000 के हो गए, लेकिन कंसाइनर के सारे खर्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं। इन ट्रांजिट, अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये सामान हम भेज रहे हैं, ये हम, ये कंसाइनी का शहर है, ये याला शहर है, ये जो मैंने मार करा है ना, ये अब की बार इस क्वेश्चन में उसने क्या लिखा? इन ट्रांजिट। बेटे इन ट्रांजिट का मतलब है रास्ते में, ये रास्ता है, हमने गुड्स भेजा लेकिन रास्ते में मान लेते हैं कहीं यहां पर। वो कहता है इन ट्रांजिट 1,000 केसेस गॉट डिस्ट्रॉयड। ओहो, कहता है 1,000 केसेस डिस्ट्रॉय हो गए,
in transit. 1,000 cases got destroyed. Kehte in transit, 1,000 cases destroyed. In transit, कहते हैं रास्ते में, in transit का मतलब है रास्ते में, in transit, 1,000 cases got destroyed, 1,000 cases जो हैं, destroy हो गए, ओहो, नुकसान हो गया, क्या करें, कोई बात नहीं, कहते हैं फिर insurance company admitted a claim of 1 lakh, और कहते हैं destroy तो हो गए, लेकिन हमें कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, कुछ इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया। इंश्योरेंस क्लेम बेटे आपको कितना मिल गया? 1 लाख रुपए का मिल गया। 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम तो आपको मिल ही गया ना? चलो, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, नहीं तो मेरे को तो बड़ा ही दुख हो गया था। ठीक है, आगे उसने क्या कहा? आगे कहता है, agent after 4 months reported that he had sold 3000 cases at the rate of 200 per case. आइए थोड़ा अब हम क्वेश्चन को और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अब ये कंसाइनी के शहर में गुड्स पहुंच गए, ये कंसाइनी का गोडाउन है, जानबूझ के अब की बार मैं डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, और गोडाउन में पहुंचने के बाद कंसाइनी ने गुड्स को बेचा, सेल करी। अब कंसाइनी की जो सेल्स है, उसने कहा उसने 3000 केसेस बेचे। कितने केसेस बेचे हैं? 3000 केसेस। 3000 केसेस को हमने बेचा है, और 3000 केसेस को बेटे उसने लिखा है 200 पर केस के हिसाब से बेचा, एट द रेट ऑफ 200 पर केस। तो 200 पर केस के हिसाब से माल बेचा गया है। फिर उसने ये भी बताया कि जो माल बेचा है उसमें से आधा माल तो क्रेडिट में बेचा है। जो 3000 केसेस कंसाइनी ने बेचे उसमें से 1/2 यानी कि 1500 केसेस तो कैश में बेचे, और 1500 उसने क्रेडिट में बेचे, 1500 क्रेडिट में बेची। लेकिन जो भी माल बेचा है वो 200 पर केस के हिसाब से बेचा है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, करेक्ट। फिर उसने बताया एक्सपेंसेस ऑफ एजेंट अमाउंटेड टू 1 लाख एज डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं तुम्हें अब कई बार बता चुका हूं, कि कंसाइनी के शहर में पहुंचने के बाद उसके गोडाउन तक पहुंचने में जो खर्चे होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं कंसाइनी के। वो कहता है कंसाइनी के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1 लाख रुपए के हैं, 1 लाख रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनी के हैं, करेक्ट। और गोडाउन में पहुंचने पर और वहां से लेके सेल होने तक जो खर्चे होते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो कंसाइनी के इनडायरेक्ट खर्चे 50,000 रुपए के हो गए। फिर उसने ये भी बताया कि जो एजेंट है अब की बार हम उसको जो कमीशन दे रहे हैं, एक तो 10% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स दे रहे हैं। अब की बार कंसाइनी को जो कमीशन दिया जा रहा है, कंसाइनी को जो कमीशन दिया जा रहा है कहता है एक तो तुम उसको कमीशन दे रहे हो 10% ऑन ग्रॉस सेल्स, 10% कमीशन तो ग्रॉस सेल्स का आप दे ही रहे हैं, उसके बाद 5% ओवरराइडिंग कमीशन भी आप दे रहे हैं, ओवरराइडिंग कमीशन। उसके अलावा 2.5% डेल क्रेडिट कमीशन भी दे रहे हैं। आपको याद आया डेल क्रेडिट कमीशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो डेल क्रेडिट कमीशन भी दिया जा रहा है।
अगर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा और बैड डेब्ट से कोई अगर नुकसान होगा तो उस नुकसान को कौन सहेगा, कंसाइनर या कंसाइनी? सर कंसाइनी, राइट। कंसाइनर डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनी को देता ही इसलिए है कि कल अगर कोई नुकसान बैड डेब्ट से हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी फिर कंसाइनी के ऊपर आए, हमारे ऊपर ना आए। तो आगे उसने ये भी कहा कि वन कस्टमर टू हूम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब एक कस्टमर था जिसको कि गुड्स क्रेडिट में बेचे गए थे 10,000 रुपए के, उसने पैसे नहीं दिए। वन कस्टमर, तो क्रेडिट सेल्स में से एक कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, यानी कि कुछ बैड डेट्स हो गए और बैड डेट्स बड़े जो हो गए वो 10,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, 10,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए, इजंट इट? ये क्वेश्चन है। अब हम इसको कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। आइए फिर बुक्स ऑफ कंसाइनर से हमने स्टार्ट करा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सर, आपने कॉन्सेप्ट तो लिखा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे बेटे, कॉन्सेप्ट तो अभी तक लिखा ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या लिखता? मैंने तो अब सब कुछ यहां पर लिख ही दिया है, फिर भी आप कहते हो तो लिखना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या क्या चीजें होगी जरा ध्यान से देखें। एक तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या हो गया, एक तो इसमें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। दूसरा, इसमें एबनॉर्मल लॉस का केस आ जाएगा तो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी हो गया, इजंट इट और नॉट? करेक्ट। तीसरा इसमें क्या हो गया, तीसरा इसमें बैड डेब्ट्स का केस हो गया, बैड डेब्ट्स। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक तो हम देख ही चुके, करेक्ट। पूरी कहानी ये बन गई कि जो कंसाइनर है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं, बट एक बार बार बड़ा लंबा लंबा हो जा रहा है। जो कंसाइनर है, लो जी, कंसाइनर ने 5,000 केसेस भेजे हैं 100 रुपए पर केस के हिसाब से, और 50,000 के खर्चे उसके भेजने में हो गए। तो पहले तो हम ये काम लिख ही लेते, तो 5,000 केसेस हमने भेजे और एक केस 100 रुपए के हिसाब से, तो इतनी कॉस्ट प्राइस का माल हमने उसको भेजा, डेट इज कितना आ गया, 5,00,000 आ गया। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर कंसाइनर के खर्चे 50,000 के हो गए, वो यहीं पर आएगा। उसके अलावा अब कंसाइनी सेल करेगा, कंसाइनी ने सेल करी तो हम यहां लिखेंगे बाय कंसाइनी अकाउंट, और कंसाइनी की जो सेल हुई है, कंसाइनी की जो सेल हुई है 1,500 केसेस, बल्कि कंसाइनी ने 3,000 केसेस बेचे हैं, सॉरी, उसमें से कुछ कैश पे बेचे, कुछ क्रेडिट पे बेचे, तुम्हें यहां पर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, यहां पर तुम आराम से टोटल लिखोगे। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा, यहां पर टोटल सेल्स कितने की हो गई, 3,000 केसेस हमने बेचे हैं 200 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कितना हो गया, 3,000 इंटू 200, दैट इज इक्वल टू 6,00,000। तो 6,00,000 रुपीज की टोटल सेल्स हो गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी तरीके का, पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? अरे बाबा पक्का देंगे ना, 6,00,000। उसके बाद फिर आप चाहो तो अलग अलग करके भी दिखा सकते हो, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। कैश सेल 1,500 केसेस इंटू 200, क्रेडिट सेल 1,500 इंटू 200 केस, इज इट क्लियर? आइए जी, उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, कंसाइनी के जो खर्चे हो गए, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस 1,00,000 के हैं, ये हमने लिखी दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इतने के हैं,
अब मुझे कंसाइनी को कमीशन देना है, इजंट इट? तो अब की बार जरा कमीशन अलग से कंप्यूट करना पड़ेगा, यहीं पर कर लेते हैं। आइए, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब कंसाइनी को जो कमीशन मिल रहा है, ए, एक तो 10% ऑफ ग्रॉस सेल्स, तो उसकी ग्रॉस सेल्स जो है 6 लाख की, 6 लाख का 10% डेट इज इक्वल टू 60,000। उसके अलावा कंसाइनी को कमीशन मिल रहा है 5% ओवरराइडिंग कमीशन, तो ओवरराइडिंग कमीशन मैं आपको बता ही चुका हूं कि कोई भी कमीशन होगा वो टोटल सेल्स पर कंप्यूट होगा। उसकी टोटल सेल्स 6 लाख की हैं, तो 5% टोटल सेल्स का ही कंप्यूट करा जाएगा। उसके अलावा डेल क्रेडिट कमीशन भी मिल रहा है 2.5%, 2.5% डेल क्रेडिट कमीशन। अब डेल क्रेडिट कमीशन जो मिलेगा वो भी टोटल सेल्स का मिलेगा 2.5% ऑफ 6 लाख। तो कंसाइनी का टोटल कमीशन जो हो गया 1,05,000 हो गया, 1,05,000 रुपए का कमीशन हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर बिल्कुल नहीं है। तो कमीशन इस केस में 1,05,000 हो गया, करेक्ट? कमीशन भी आपने कंप्यूट कर लिया। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से पहले एबनॉर्मल लॉस। अब आपको एबनॉर्मल लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा। सर एबनॉर्मल लॉस? हां बेटे, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन आपको करनी पड़ेगी। अब एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? आइए जी, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, अब एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कैसे करेंगे बेटे? कहां पर एबनॉर्मल लॉस हुआ है पहले तो आपको यह देखना है। गुड्स यहां से चले यहां के लिए, लेकिन रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो गया, कंसाइनी के रिसीव करने से पहले एबनॉर्मल लॉस हो गया, यहां पर एबनॉर्मल लॉस हो गया, करेक्ट? तो लॉस इन ट्रांजिट एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 1000 केसेस डिस्ट्रॉयड। तो जो 1000 केसेस डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस्ट आउट हो गए, उनकी मैंने पहले तो कॉस्ट देखी एट द रेट ऑफ 100 पर केस। तो उनकी जो कॉस्ट है वो है बेटे 1,00,000। तो पहले तो आप आराम से उनकी कॉस्ट को नोट करें, करेक्ट? कॉस्ट को आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। 1,00,000 रुपए उनकी जो है कॉस्ट है। थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है तो मैं थोड़ा इधर की तरफ लिख लेता हूं। अब आ रहे हैं? यस सर। 1,00,000 रुपीज जो है, राइट? तो 1,00,000 रुपीज उसकी कॉस्ट है। अब ध्यान ये रखना है कि आपको इसमें भी प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ऐड तो करेंगे, तो कंसाइनर के खर्चे आपने लिखे,
कैसे लिखेंगे ध्यान से देखें। टोटल केसेस कितने, पहले तो लिखो सर 10,000 कि 5,000, बेटे 5,000, तो टोटल 5,000 केसेस हैं, टोटल 5,000 केसेस हैं। कितने केसेस पे आप कंप्यूट करना चाह रहे हो, 1,000 केसेस पे, तो ये आपकी फ्रैक्शन हो गई, फ्रैक्शन हो गई 1/5। और कंसाइनर के जो खर्चे हैं डायरेक्ट वो 50,000 है, तो 5,000 केसेस पर 50,000 के खर्चे हैं, तो 1,000 केसेस पर प्रोपोर्शनेट खर्चे कितने के हो गए, डेट इज इक्वल टू 5,000 के हो गए। तो कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट खर्चे 5,000 के हो गए। बी कंसाइनी, प्रोपोर्शनेट खर्चे कंसाइनी के, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनी के मैं यहां पर नहीं कंसीडर करूंगा। सर नहीं कंसीडर करेंगे? हां बेटे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप ध्यान से देखें, ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं कंसाइनी के रिसीव करने से पहले, यानी कि इन गुड्स पर तो कंसाइनी का कोई खर्चा लगा ही नहीं ना। बात समझ में आई या नहीं आई बेटे? ये जो लॉस है ये तो रास्ते में हो गया, तो इन गुड्स के ऊपर, इन 1000 केसेस के ऊपर तो कंसाइनी का कोई खर्चा नहीं लगा, तो इसलिए कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस करते वक्त नहीं कंसीडर करे जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो टोटल एबनॉर्मल लॉस जो है, टोटल एबनॉर्मल लॉस आपका कितना हो गया, 1,05,000 हो गया। अब ये एबनॉर्मल लॉस मैं यहां पर क्रेडिट में दिखाऊंगा। कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में क्यों दिखाते हैं? हां ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अगर तुम पूछते तो। एबनॉर्मल लॉस आपने अपने वर्किंग नोट से कंप्यूट करा तो आप यहां पर वर्किंग नोट लिखेंगे। बेटे एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में दिखाने का पर्पस ये होता है क्योंकि ये बार बार होने वाला लॉस नहीं है। एबनॉर्मल लॉस क्या है? वो लॉस जो बार बार नहीं होगा। अगर हम केयर बरतेंगे, कॉशन एक्सरसाइज करेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम से ये लॉस ना हो, ये कभी कभार होने वाली चीज है। तो ये देखने के लिए कि अगर ये लॉस नहीं होता तो मेरा प्रॉपर प्रॉफिट कितना होता, इसलिए हम एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट में लिखते हैं। पहले तो ये पॉइंट अच्छी तरह समझना है, एबनॉर्मल लॉस को हम क्रेडिट में लिखते हैं। समझ में आया? वेट, थोड़ा सा और अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हारे लिए एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना दिया, जस्ट समझाने के लिए। तुम चाहो तो एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना सकते हो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो ध्यान से देखें, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैंने एबनॉर्मल लॉस लिखा है, तो एबनॉर्मल लॉस की डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस 1,05,000, और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि वो हमें 1,00,000 रुपए दे देगी, तो बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1,00,000। तो नेट एबनॉर्मल लॉस जो हो गया वो हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जिसको तुम पीएनएल अकाउंट भी कहते हो, तो यानी कि जब मैं अपना पूरा इस साल का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाऊंगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में केवल 5,000 रुपए डेबिट होंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में 5,000 रुपए डेबिट होंगे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि नेट एबनॉर्मल लॉस तो आपका इतने का ही हुआ ना, तो इसलिए 5,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आएंगे। तो इस क्वेश्चन में एक तो एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट है, एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट आपने क्या देखी कि जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो एक तो ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल लॉस कब हुआ, रास्ते में हुआ। अगर ये लॉस कंसाइनी के रिसीव करने के बाद होता तो कंसाइनी के भी फिर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करता, यानी कि अगर एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के रिसीव करने से पहले यानी कि रास्ते में हो जाए तो उस केस में फिर कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर नहीं करे जाएंगे। आइए मैं थोड़ा स्क्रीन सेट कर रहा हूं।
हां जी, तो इसमें हमने कौन कौन से अभी तक वर्किंग नोट कर लिए हैं? एक तो बेटे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन का वर्किंग नोट हमने करा है, वन, करेक्ट। उसके बाद हमने वर्किंग नोट नंबर टू, कंसाइनमेंट में थोड़ी वर्किंग ज्यादा होती है, और अब हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर थ्री। वर्किंग नोट नंबर थ्री, करेक्ट, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक करते समय पहले तो आप ये देखें कि बचे हुए केसेस कितने हैं। सर कुल 5000 केसेस भेजे थे, राइट, उसमें से 1000 केसेस तो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए और 3000 केसेस बिक गए, तो इसका मतलब बचे हुए केसेस कितने हैं? 1000 केसेस बचे हैं। तो कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग केस, जितने केस बचे हैं रिमेनिंग केसेस, उनकी कॉस्ट आपने लिख दी। अब आप प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, ध्यान से, टोटल केसेस 10000 पर 10000 है कंसाइनर के मैं ले रहा हूं, तो कंसाइनर के प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे ऐड करेंगे? 10000 केसेस है टोटल उस, नहीं सर 5000 है, वेरी गुड, मेरे दिमाग में 10000 आ रहा था, 5000 केसेस कंसाइनर ने भेजे थे, तो 5000 केस है, 1000 केस बचे हुए हैं, और कंसाइनर के खर्चे 50000 रुपए के हैं, तो 5000 प्रपोस्टेड खर्चे कंसाइनर के तो हो गए। अब बेटे मैं कंसाइनी के खर्चे लूंगा, ध्यान से देखें, बताओ कंसाइनी ने कितने केसेस रिसीव करे? सर कंसाइनी ने 4000 केसेस रिसीव करे हैं, गुड, वेरी गुड, क्योंकि 1000 केसेस तो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए ना, तो इसका मतलब कंसाइनी ने केवल 4000 केसेस रिसीव करे, इसका मतलब कंसाइनी के जो ये खर्चे हुए हैं ये तो 4000 केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हुए हैं। तो क्वेश्चन में जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक करूंगा तो कंसाइनी के प्रपोस्टेड एक्सपेंस कंप्यूट करते वक्त आपको बहुत अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। तो हम यूं कहेंगे कि 4000 केसेस पर कंसाइनी के डायरेक्ट नेचर के खर्चे 1,00,000 हैं, तो बचे हुए 1000 केसेस पर इसके कितने खर्चे होंगे? तो 1,425,000 के हो जाएंगे। बात समझ में आ गई बेटे? तो जब भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस भी होगा और कंसाइनमेंट स्टॉक तो अधिकतर होगा ही होगा, तो ऐसी सिचुएशन में कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन करते वक्त आपने बहुत ध्यान रखना है। तो कंसाइनमेंट स्टॉक आपका हो गया 1,30,000। अब ये 1,30,000 बेटे आप यहां पर लिख देंगे तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ये भी वर्किंग नोट से आपने कंप्यूट करा 1,30,000। समझ में आया? आइए अब इसका प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। 600 प्लस 105 प्लस 130 माइनस 550 माइनस 150 माइनस 105, तो मेरे हिसाब से तो 30,000 आ रहा है, लेकिन आप एक बार चेक जरूर कर लिया करें, करेक्ट, क्योंकि अब हमें बोलना भी पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, मैं फिर भी एक बार दोबारा कर लूं। माइनस 550 माइनस 150 माइनस 105, तो मेरे हिसाब से 30,000 है। आइए कंसाइनी का अकाउंट बनाना तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 6,00,000 कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस इतने ही हैं, 50,000 इतने ही हैं। अच्छा कंसाइनी के खर्चे, कंसाइनी का कमीशन लेकिन 1,05,000 है, ठीक है, तो कंसाइनी से आपने इतना पैसा लेना है, करेक्ट, 600 माइनस 150 माइनस 105, तो 3,45,000। आपने एक चीज नोट करी कि जो बैड डेब्ट्स हो गए वो हमने कहीं नहीं लिखे, क्योंकि कंसाइनी को अब की बार क्या मिल रहा है? डेल क्रेडिटरी कमीशन मिल रहा है। जब भी कंसाइनी को डेल क्रेडिटरी कमीशन मिलेगा, कंसाइनर बैड डेब्ट्स का लॉस बियर नहीं करेगा।
हम देखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में कि कंसाइनी अपनी बुक्स में किस तरह से रिकॉर्ड करता है, लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि हमारा एरिया ऑफ फोकस जो चल रहा है कंसाइनर की बुक्स में चल रहा है। तो इस सेशन के लिए अभी इतना काफी है, नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तो फिर कुछ नई चर्चा के साथ हम सामने आएंगे।